क्या आप जानते हैं बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए बोन ऑफ कंटेंशन। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का विषय या विवाद का मुद्दा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर आपको कहना हो दौलत दोनों भाइयों के बीच में विवाद का मुद्दा था या झगड़े का विषय था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द प्रॉपर्टी वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स, यानी दोनों भाइयों के बीच में दौलत विवाद का वजह था या झगड़े का मुद्दा था। अगर आपको कहना हो झगड़े का असल मुद्दा जमीन का बंटवारा था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द मेन बोन ऑफ कंटेंशन वॉज द पार्टीशन ऑफ द फील्ड्स, यानी झगड़े का असल मुद्दा या विवाद का असल मुद्दा जमीन का बंटवारा था। अगर आपको कहना हो हमें पता है ये वर्षों से झगड़े का मुद्दा रहा है या विवाद का मुद्दा रहा है या विवाद का विषय रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी नो दैट इट हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर इयर्स, यानी हमें पता है यह वर्षों से झगड़े का विषय रहा है या विवाद का मुद्दा रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से समझा कि बोन ऑफ कंटेंशन का इस्तेमाल अब तब करेंगे जब आपको कहना हो झगड़े का मुद्दा होना या विवाद का विषय होना। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।